दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज हमने ग्राम पंचायत दौरे के लेटर पेड पर सभी क्षेत्रवासियों को साथ में लेकर के पिछले कुछ दिनों से पानी की हो रही समस्या को लेकर आज जलदाय विभाग के अंदर हमने ज्ञापन दिया है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम क्षेत्रवासी धूप के अंदर वहाँ से चल के अपनी समस्या का निवारण कराने के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो सीट पर हमें कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं मिलते, और साथ में कोई तथाकथित हेड साहब हैं उनको हमने ये ज्ञापन दिया है और उनको हमने निवेदन किया है कि भैया हमारी जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करवाएं। पिछले कुछ दिनों पे तो 2-3 दिनों में तो पानी भी नहीं आया है। अब इस गर्मी के टाइम में, भीषण गर्मी के अंदर क्षेत्रवासियों को जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, आर्थिक स्थिति सब जूझ रहे हैं, उसके बाद महंगे महंगे पानी के टैंकर इन सबको मंगवाने पड़ रहे हैं। तो मैं आज हमने ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि जल्द आकर के इस समस्या का निवारण कराए। हमारे ज्ञापन के अंदर विशेष रूप से रेगरान मोहल्ला, जाट बस्ती, खाती मोहल्ला, गुजर मोहल्ला, यादव कॉलोनी, विद्युत नगर, स्टेशन क्षेत्र, रेलवे क्वार्टर क्षेत्र जो है, इन सब जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हमने पहले इनको एक समस्या से अवगत करवाया था चारभुजा मंदिर की, तो कहीं ना कहीं वो समस्या का निवारण हुआ है। तो उस समस्या का निवारण तो हो गया, लेकिन नीचे जो लोग जितने भी रह रहे हैं उन सबको पानी की बहुत वो आ रही है, और हम भी चाहते हैं, वहाँ बहुत टाइम से चारभुजा मंदिर की तरफ जो पानी की समस्या थी, बहुत अच्छा लगा कि उसका निवारण हो गया है। हमारे सबके प्रयास सफल रहे, सबके अच्छा फल मिला। आज हम जलदाय विभाग कैसरगंज आए हैं। क्या मानते हो अधिकारी नहीं बैठा सीटों पे, क्या लापरवाही है? जी लापरवाही है, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम में पानी की समस्याएं लेकर हर कोई आता रहता है। तो आज हम दौरे क्षेत्र से हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें कोई ना कोई एक संतुष्ट करने वाला आदमी सामने बैठा हो, जिम्मेदार आदमी हमें बैठा हो, हमारी बात को सुने और हमारी बात को आगे पहुँचाए। तो आज हम आए हैं, बट यहाँ पर कोई मिला नहीं है। अब हम यहाँ से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं साथ में। आपका नाम? मेरा नाम रवि, गुजर ग्राम दौरे से। पिछले लगभग 10-15 दिनों से ये समस्या आ रही है। पूरा जो क्षेत्र है, जाट बस्ती है, खाती मोहल्ला है, गुजर मोहल्ला, यादव कॉलोनी, स्टेशन का क्षेत्र है और रेगरान, इन सब जगह जो टाइमिंग है उसका बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये पहले पानी